नमस्कार, आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखते रहिए प्रदेश स्तर की राजनीतिक हलचल, देखते रहिए मध्य प्रदेश का टॉप वेब न्यूज चैनल, देखते रहिए क्राइम न्यूज, अपराधों का खुलासा, देखते रहिए जिम्मेदारों से वन टू वन चर्चा, देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय ताजा अपडेट। एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। लगातार देखते रहिए शिवानी धाकड़ के साथ एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आपके पास कोई मुद्दा हो जिसे आप एमपी 7 न्यूज के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो निम्न नंबर पर संपर्क करें। एमपी 7 न्यूज आपकी बात प्राथमिकता से रखेगा आम जन के बीच। समाचारों को पढ़ने और देखने के लिए www.mp7news.in पर लॉगिन करें। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़, आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए आज 19 दिसंबर की ताजा बड़ी खबरें। भोपाल, कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ काले धन का लेन देन। छापे के दौरान मिली लिस्ट में कई दिग्गजों के साथ 64 विधायकों के नाम भी मिले। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायक के नाम भी लिस्ट में शामिल है। लिस्ट में टेक्सटाइल, रोड कंस्ट्रक्शन और सीमेंट उद्योगपतियों के नाम भी शामिल है। आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार को 25-25 लाख देने का जिक्र किया गया। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पैसे भेजने का जिक्र भी किया गया। बड़वानी, बढ़ती ठंड के बाद भी नहीं खुला रेन बसेरा, गरीब और मरीजों के परिजनों को हो रही परेशानी। खुले आसमान के नीचे रात बिताने का मजबूरी। प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे गरीब लोग। नारायणगढ़, मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति भारत अभियान तहत नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजल टैंकर के अंदर स्कीम बनाकर गोपनीय रूप से अवैध डोडा चूरा की तस्करी करते तस्कर को हिरासत में लिया गया। आरोपी तस्कर के कब्जे से 17 क्विंटल 84 किलोग्राम डोडा चूरा कीमत 17,84,000 रुपए का जब्त किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी में प्रयुक्त एका टैंकर क्रमांक RT14GE8271 कीमत 15 लाख रुपए का जब्त किया गया। आरोपी राजू राम पिता सवाई राम ज्योति सो विश्नोई उम्र 23 साल निवासी रामड़ा वास्कला थाना पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर राजस्थान मध्य प्रदेश शासन। सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित किए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंसूर श्री सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्री अमित वर्मा व अनुविभागीय अधिकारी मलारगढ़ श्री TC पवार के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना नारायणगढ़ पर पदस्थ उन्हीं मनोज महाजन एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए भादवा माता गेट के पास बोरदिया फंटा जारड़ा पर एक टाटा कंपनी के डीजल टैंकर क्रमांक RJ14GE8271 में स्कीम बनाकर गोपनीय रूप से छिपाकर अवैध मादक पदार्थ डोड़ा चूरा की तस्करी करते आरोपी राजू राम पिता सवाई राम जाति सोव विश्नोई उम्र 23 साल निवासी रामड़ा वासकला थाना पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोड़ा चूरा 17 क्विंटल 84 किलोग्राम डोड़ा चूरा की कीमत 17,84,000 रुपए तथा तस्कर में प्रयुक्त उक्त एक टैंकर क्रमांक RT14GE8271 कीमत 15 लाख को जब्त किया गया। मामले में थाना नारायणगढ़ पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 360/20 धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी से डोडा चूरा लाने तथा ले जाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव उन्हीं मनोज महाजन R-347 राम नारायण नागत R-87 आशीष शुक्ला R-219 पुष्पेंद्र सिंह R-689 हुकुम सिंह R-673 जितेंद्र सिंह R-837 महिपाल सिंह R-493 उदल सिंह और 390 कंवरलाल की सराहनीय भूमिका रही। मनासा भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन पर प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण संवर्ग में मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने दीनदयाल भाजपा नीमच मंडल के प्रशिक्षण संवर्ग में मुख्य वक्ता के रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 साल के अन्त्योदय प्रयत्न के साथ विकास के लिए किए कार्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने कहा। भाजपा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अन्त्योदय की संकल्पना के उत्थान पर विश्वास भावना और सिद्धांत के साथ गरीब मजदूर अनपढ़ व सीधे साधे लोग हमारे नारायण मानते रहे हैं, हमें इनकी पूजा करनी है, यह हमारा सामाजिक और मानव धर्म है। जिस दिन हम इन सब के पक्के मकान धंधे शिक्षा आदि देकर उनका आर्थिक सामाजिक उत्थान करेंगे वही हमारी अन्त्योदय के प्रति समर्पण भाव होगा। विधायक माधव मारू ने अपने संबोधन में आगे कहा, मोदी जी ने गरीबों पिछड़ों दलितों वंचितों एवं शोषितों के विकास और उनके उत्थान के लिए विगत 6 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले जिसमें गरीब मजदूर सरकार द्वारा चलाई योजनाओं का भुगतान सीधा उनके खातों में पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख रुपए का पैकेज कोरोना काल में जारी किया, हर गांव के गरीब के घर लाइट जलाकर उनके घरों में उजाला किया, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 5000 जन औषधि केंद्र खोले गए, 16 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए प्रति वर्ष बीमा कराया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत दुर्घटना के तहत 6 करोड़ लोगों के बीमे किए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गरीबों 15 करोड़ के लगभग 23 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए, 2 रुपए गेहूं 3 रुपए किलो चावल 36 राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान किए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया, साथ ही वन नेशन वन के तहत राशन कार्ड योजना बनाई, स्टैंड अप योजना, जल जीवन योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना बनाई, छोटे दुकानदारों खुदरा व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का आगाज किया। विधायक माधव मारू ने अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता मिशन के साथ देश में चल रहे कई कठिन मुद्दों के निराकरण पर भी प्रकाश डालकर नए भारत को आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में हम सभी को सहयोग कर गांव शहर में रहने वालों का प्रेरित करने का संकल्प कराया। प्रशिक्षण वर्ग में विधायक माधव मारू के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भेरूलाल किलोरिया, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मंडल महामंत्री सुनील तिवारी, दार सिंह यादव के साथ दीनदयाल भाजपा मंडल के सभी प्रकोष्ठों के देव दुर्लभ कार्यकर्ता प्रशिक्षण में उपस्थित थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। समाचार और विज्ञापन की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7869349141 पर संपर्क जरूर करें।